अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये देखें, ये शहतूत का दरख्त है और इसके पत्तों को, जो ये बड़े बड़े पत्ते नज़र आ रहे हैं आपको, इन बड़े बड़े पत्तों को हम कटिंग कर लेंगे, फिर इनको हम ड्राई आउट कर देंगे। तो मैं आपको बताऊँगी इनको ड्राई किस तरह से करते हैं, फिर इसकी चाय बनाएं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। से देखें कितना बड़ा है, जो सबसे बड़ा पत्ता है हम उसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से भी काट देंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको इस तरह से छोड़ दें ताकि इसमें से जो ड्रिप हो रहा है ये ड्रिप हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। ये आपके हाथों पे नहीं लगना चाहिए। चले मैं और भी पत्ते काटती हूँ और आपको बताती हूँ कि फिर इसको धोने के बाद हम इसको किस तरह से सुखाते हैं। माशाल्लाह से मैंने थोड़े से पत्ते तोड़ लिए। चलिए अब हम इनको धोते हैं और फिर इसको आपको बताती हूँ किस तरह से सुखाना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पानी में इस तरह से भिगो के रख देंगे। थोड़ी देर पानी में भिगो देने के बाद आप एक टॉवल ले लें और इसके ऊपर एक एक पत्ते को निकालते जाएं, मगर इसको अपसाइड डाउन आपको रखना है। आप इस तरह से इनको अपसाइड डाउन रखते जाएं। और इसको बस हवादार जगह पे सूखने दें। सूरज की रोशनी ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर डायरेक्ट जाए, ताकि इसका कलर ग्रीन ही रहेगा, वरना ये कलर फेड हो जाएगा। तो मैं 24 घंटे के बाद मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये सूख के लगते हैं। ये देखो इनको 24 घंटे हो गया, अच्छी तरह से सूख गए, हल्के हल्के क्रिस्पी लग रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्लैट करते जाएं, हाथ से यूँ दबाते जाएं और फिर एक दूसरे के ऊपर इसको रखते जाएं। फिर यही टॉवल आप इसके ऊपर रख दें, ढक दें इसको और फिर तकरीबन थोड़े घंटों के लिए या 24 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दें। फिर मैं बताती हूँ ये कैसे लगते हैं। चलिए देखते हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, आराम से सब सो रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं। देखें क्रिस्पीपन, जो बम्पी बन था वो सारा ख़त्म हो गया। अब आप इसको अच्छी तरह से किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल दें और इसको उसमें रख सकते हैं, ज़िपलॉक में भी डालकर आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो गया। और आप इसकी चाय बनानी है तो ये एक पत्ता ले लें और इसको हाथ से तोड़ लें और गर्म पानी में जिस तरह से पकाया जाता है इस तरह से इसको फॉलो करें। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है कि शहतूत किस तरह से उगाया जाता है, उसमें मैंने सारी तफसील बताई हुई है कि चाय किस तरह से बनती है और उसके फ़ायदे भी क्या हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।